ये मैच था साउथ अफ्रीका के लिए पांचवा वन रन विक्ट्री इन टी20 आई। वहीं दूसरी ओर नेपाल के लिए यह मैच था पहला वन रन डिफीट इन टी20 आई। दोस्तों, आपने ऐसे कई सारे मैच देखे होंगे जहां जीत और हार के बीच का फासला सिर्फ एक रन का होता है, लेकिन कल नेपाल और साउथ अफ्रीका के बीच एक बड़े मंच पर जो एक रन की जीत साउथ अफ्रीका ने हासिल की, शायद इस स्टेज पर यानी वर्ल्ड कप की स्टेज पर इससे पहले ऐसी जीत साउथ अफ्रीका को कभी नहीं मिली होगी। दोस्तों, अगर आप एक रन से जीत का इतिहास को उठाकर देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि जितने भी एक रन की जीत वाले मैच अब तक हुए हैं, उन मैचों में या तो दोनों टॉप रैंक की टीम होती है, नहीं तो दोनों बॉटम रैंक की टीम होती है। लेकिन कल के मैच में एक तरफ थी नंबर 5 टी20 रैंकिंग वाली टीम और दूसरी तरफ थी 18 नंबर रैंक की टीम नेपाल। किसने सोचा था कि नेपाल साउथ अफ्रीका को 115 पर रोक देगा और वहीं आसानी से जीतने वाले एक मैच को नेपाल हाथ से जाने देगा। लेकिन आखिरकार साउथ अफ्रीका की टीम ने अपनी अनुभव दिखाई और इस मैच को एक रन से नेपाल से जीत लिया। कहते हैं ना कि तुम्हारी जीत से ज्यादा हमारे हार के चर्चे हैं, और अगर इस बात का कोई उदाहरण हो तो कल का मैच सबसे बेहतर उदाहरण है। यहीं पर आपको बताएं कि पूरे टी20 इंटरनेशनल में एक रन से जीत वाले कुल 28 मैच थे, लेकिन अब उस सूची में नेपाल का नाम भी जुड़ गया है। वहीं साउथ अफ्रीका के टी20 करियर में 5 ऐसे मैच हैं जो कि इसी तरह एक रन की मार्जिन से जीती गई हो। लेकिन पहले जो मैच एक रन से साउथ अफ्रीका ने जीता था वो सारे मैच टेस्ट खेलने वाले राष्ट्रों के खिलाफ थे, लेकिन पिछले मैच में एक नॉन टेस्ट प्लेइंग नेशन टीम ने साउथ अफ्रीका के दिग्गजों को पानी पिला दिया। दोस्तों, ये कोई आम टीम नहीं थी। इस टीम में ए नॉर्जे, ओ बार्टमन, रबादा और जॉनसन जैसे घातक बॉलर मौजूद थे, और नेपाल के बैटर जो कि शायद पहली बार इस तरह की पेस का सामना कर रहे थे, लेकिन फिर भी उस पेस बॉलिंग को झेलते हुए नेपाल के खिलाड़ियों ने इन वर्ल्ड क्लास बॉलर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हैंडल किया और किसी को भी विकेट नहीं दिया। इससे पता चलता है कि नेपाल ने आज बहुत ही उम्दा प्रदर्शन किया। हालांकि अगर मैच का नतीजा नेपाल के पक्ष में गया होता तो ये सोने पर सुहागा हो जाता, लेकिन फिर भी ये मैच ना सिर्फ नेपाल बल्कि साउथ अफ्रीका को भी कई सालों तक याद रहेगा ये मैच।